हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2021 एग्जाम पैटर्न चेंज होने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में यही चल रहा है कि न्यू एग्जाम पैटर्न से हमें बेनिफिट होगा या लॉस होगा। देखो, ये मैं आपको एक लाइन में क्लियर कर देता हूं, न्यू एग्जाम पैटर्न से आप सभी स्टूडेंट्स को ओनली एंड ओनली बेनिफिट होगा। वैसे भी आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, अब इसमें मैं और आप सब कुछ नहीं कर सकते, बस हम एक काम कर सकते हैं, न्यू एग्जाम पैटर्न में हम पॉजिटिव पॉइंट्स फाइंड आउट करें और इन पॉजिटिव पॉइंट्स पे फोकस करते हुए अपना स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश करें। अब न्यू एग्जाम पैटर्न में आपके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस वीडियो में आज मैं आपको वो 5 मेजर बेनिफिट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करते हुए आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इन 5 मेजर बेनिफिट के बेसिस पे न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप अपना स्कोर और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे 5 मेजर बेनिफिट्स की। इसमें फर्स्ट मेजर बेनिफिट यह है कि आपका नीट 2021 का एग्जाम जो है उसका लेवल इजी रहेगा। अब आपके माइंड में यह डाउट आ सकता है कि सर आप डेफिनेटली कैसे बोल सकते हैं कि हमारा एग्जाम इजी रहेगा। देखो, अगर बात की जाए लास्ट ईयर की, यानी नीट 2020 में भी मैंने आपको यह कहा था कि आपका एग्जाम इजी रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या बोला कि सर कोविड-19 के चलते हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है और इसके साथ साथ जो एनटीए ने आपको अभ्यास टेस्ट दिए थे वो भी आपके टफ थे। तो स्टूडेंट्स ने बोला सर जब ये सब कुछ हो रहा है तो आप कैसे बोल सकते हैं नीट 2020 का पेपर इजी आएगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद स्टूडेंट्स ने मेरे को कमेंट्स में बुरा भला भी कहा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बोला था कि आपका नीट 2020 का पेपर इजी आएगा। और अब आप सबको पता है आपका नीट 2020 का पेपर बिल्कुल इजी आया था, तो वैसे ही आपका नीट 2021 का पेपर भी इस बार इजी आएगा या नीट 2020 के जैसा ही आएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हो गया कि इजी पेपर आएगा। अब नेक्स्ट, अगर यहां पे हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड बेनिफिट आपके लिए ये है कि पहले आपके एग्जाम में 180 क्वेश्चंस आते थे और 180 में से आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, लेकिन इस बार आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से आपको ओनली 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपके पास इस बार 20 चॉइसेस ऐसी है जिसमें से मान लीजिए आपको 180 में से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप इनमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका एवरेज स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट होने वाला है। तो इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, आपसे पर सब्जेक्ट 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 45 क्वेश्चंस दो सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं पे सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। और यहां पे प्रोबेबिलिटी ये है सेक्शन ए के 35 क्वेश्चंस आपके इजी क्वेश्चंस रहेंगे ताकि एक एवरेज स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके, और सेक्शन बी में आपके मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस रहेंगे। यहां पे टफ क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आपसे आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो नीट एग्जाम का लेवल है, जो आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, वो वैसा ही पैटर्न रहेगा जैसा आपका नीट 2020 का था, यानी वैसा ही लेवल रहेगा जैसा नीट 2020 में था या उससे इजी हो सकता है। लेकिन यहां पे उसने सेग्रीगेशन ये कर दिया है कि इजी क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में जा सकते हैं और सेक्शन बी में आपके टफ और मॉडरेट जा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, पहले आपको 45 क्वेश्चंस में से ये देखना पड़ता था कौन सा टफ है, कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये आपको खुद को सिलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन यहां पे अब सेग्रीगेशन हो गया, इसका मतलब ये है कि पहले आप सेक्शन ए करेंगे फिर सेक्शन बी करेंगे, और सेक्शन बी में जो आपके मॉडरेट टू टफ या हम कह सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे सर ट्रिकी क्वेश्चन किसे कहते हैं, देखो ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप ट्रिकी क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो बीवाइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, दोनों यूट्यूब चैनल पे
कम्युनिटी पोस्ट में मैं डेली एक क्वेश्चन अपलोड करता हूं जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके पता कर सकते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चंस कौन से होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिवाइज क्लासेस की जो मेजर टेस्ट सीरीज है उसमें भी मैं आपके लिए ट्रिकी और अच्छे क्वेश्चंस रखता हूं। तो ये मेजर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जो ये मेजर टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, इन सभी के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इन वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको ये बताता हूं कि एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करवा सकता है या आप एग्जाम में कौन सी मिस्टेक कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने होते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है, आपको इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट कैसे याद करने हैं या आपको ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को कैसे याद करना है, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन में बताता हूं। और बच्चे ये कहते हैं, सर जब हम वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट देखते हैं ऐसा लगता है हमने कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन मेजर टेस्ट से अच्छे से कर लिया। तो अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं और अपने मिस्टेक्स भी जानना चाहते हैं तो मेजर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। उसके लिए आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके या bewiseclasses.com विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं या आप फोन कॉल करके मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो एक और वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं भाई, जो सेक्शन बी आपका था इन 15 क्वेश्चन में से, अब यहां पे मान लीजिए एक दो ट्रिकी क्वेश्चन है उसमें आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन ऐसा है कि वो आपने पढ़ा ही नहीं है, मतलब वो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ नहीं है या बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन टफ दे दी, तो उस केस में आप इन 15 क्वेश्चन में से ओनली वो 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपके इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे आपको ये चॉइस प्रोवाइड की गई है कि 15 में से ओनली आपको 10 करने हैं। तो देखो ये भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ये भी बहुत मेजर बेनिफिट आपके लिए होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद पहले क्या हुआ करता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अब क्या कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी, ये आपके चार सब्जेक्ट हैं और चारों ही सब्जेक्ट में आपके 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन 50 क्वेश्चंस में से ओनली आपको 45 क्वेश्चन करने होंगे। अब आप कहेंगे सर चलो ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है, लेकिन बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में सेग्रीगेट करने का हमें क्या बेनिफिट हुआ। देखो भाई पहले क्या होता था, आपके 90 क्वेश्चन जो आते थे ना उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बॉटनी से रहते थे, जैसे 60 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन या 50 प्लस क्वेश्चन, और बाकी आपके जूलॉजी से रहते थे। अब देखो स्टूडेंट्स को बॉटनी थोड़ी सी टफ लगती है, स्टूडेंट्स को बॉटनी याद नहीं रहती, जूलॉजी को वो इजिली याद कर पाते हैं इसलिए वो थोड़ा सा बायो में कम स्कोर कर पाते थे। लेकिन इस बार आपके लिए बेनिफिट क्या है, बॉटनी में भी 50 क्वेश्चन आएंगे, जूलॉजी में भी 50 क्वेश्चन आएंगे। इसका एक और अदर बेनिफिट है, वो क्या है, देखो भाई यहां पे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता था, किसी की बॉटनी अच्छी है तो यहां पे वो बॉटनी के 60 क्वेश्चन अच्छे से करता था और किसी की अगर जूलॉजी अच्छी है तो वो बॉटनी वाले से पीछे रह जाता था। लेकिन इस बार बेनिफिट क्या है, चाहे आपकी बॉटनी अच्छी है चाहे आपकी जूलॉजी अच्छी है तो दोनों में आपको इक्वल वेटेज गिवन है, यानी सब स्टूडेंट्स यहां पे बराबर कर दिए गए हैं, चाहे किसी की बॉटनी अच्छी हो चाहे किसी की जूलॉजी अच्छी हो, तो यहां पे भी बायो में आपको लीड करने का मौका मिलेगा, यह भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपके लिए है। तो ये तो हुए आपके 4 बेनिफिट जो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते थे, लेकिन एक बेनिफिट ऐसा है जो आपने शायद ही एनालिसिस किया हो और ये सबसे मेजर बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब देखो ये बेनिफिट क्या है, देखो भाई यहां पे मैं 3 स्टूडेंट्स कंसीडर करूंगा, मैं आपके स्कोर के बेसिस पे, जो स्कोर जहां पे अभी आप लाई कर रहे हो उसके बेसिस पे एनालिसिस करूंगा। देखो मान लीजिए यहां पे 3 स्टूडेंट्स है, एक है नरेंद्रा, एक है राहुल और एक है रमेश, ये तीनों ही नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये नीट 2021 के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं या कोचिंग के टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पे नरेंद्रा 650 प्लस स्कोर करता है और राहुल यहां पे 600 प्लस करता है और रमेश का जो स्कोर है वो ओनली 400 प्लस है या 350-450 जो भी आप माने। देखो अब यहां पे साइकोलॉजी क्या कहती है आपके न्यू एग्जाम पैटर्न आने से पहले, कि नरेंद्रा को ऐसा लगता था कि यार मेरा स्कोर बहुत अच्छा है, अगर पेपर थोड़ा बहुत इजी आता है नीट 2021 का और थोड़ा सा आपका कट ऑफ बढ़ भी जाता है तो मैं तो बिल्कुल सेफ हूं, मेरा सिलेक्शन श्योर है, नरेंद्रा इस बात में श्योर था। लेकिन अगर बात की जाए राहुल की, तो राहुल को यह था यार कहीं अगर इस बार कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई जैसा 2020 में हुआ था तो हो सकता है मैं इस बार सिलेक्ट ना हो पाऊं, यानी राहुल यहां पे डाउट में था, वो मेहनत भी कर रहा है फिर भी वो डाउट में है, पता नहीं यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहां पे थर्ड स्टूडेंट यानी रमेश की बात करें,
रमेश की और बुरी हालत है। रमेश को ऐसा लगता है कि यार 400 वाले का इस बार कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कट ऑफ बढ़ने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस बार मुझे ड्रॉप लेना चाहिए और नीट 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ये तो थी आपकी न्यू एग्जाम पैटर्न आने से पहले की बात। लेकिन जैसे ही आपका न्यू एग्जाम पैटर्न आया तो उसके बाद ये तीनों स्टूडेंट्स इक्वल हैं। अब आप कहेंगे सर तीनों स्टूडेंट इक्वल कैसे हैं? देखो भाई, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे नरेंद्रा की। नरेंद्रा के 650 प्लस स्कोर था। अब नरेंद्रा के माइंड में कहीं ना कहीं ये डर है कि न्यू एग्जाम पैटर्न है भाई, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा इजी आ गए, कट ऑफ 600 की बजाय 650 प्लस तक भी जा सकता है। तो ये क्या है भाई, अब ये डरने लग गया। इसके माइंड में ये है कि स्कोर थोड़ा बढ़ सक मतलब आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। तो एक तो डाउट ये आया। दूसरा, पहले मान लीजिए भाई नरेंद्रा अगर 650 प्लस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा होगा, और बायोलॉजी का जो पुराना पैटर्न है वो आपका ये है कि 90 क्वेश्चंस जो थे आपके बायोलॉजी के, उनमें से मोस्टली आपके बोटनी के और कम आपके जूलॉजी के रहते थे। तो हो सकता है बोटनी में बहुत अच्छा स्कोर करने के कारण इनका बायोलॉजी में अच्छा स्कोर रहा हो और ओवरऑल ये पीसीबी में अच्छा स्कोर कर रहे हो। और इसके अलावा नरेंद्रा पहले 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, तो 180 में से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, उसकी साइकोलॉजी सेट थी। लेकिन अब 200 क्वेश्चन आएंगे, यानी 20 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे और उसमें तो एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा। लेकिन आप कहेंगे सर राहुल और रमेश को भी तो ये टाइम लगेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन राहुल और रमेश ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे थे, कुछ क्वेश्चन वो स्किप कर रहे थे, तो उन क्वेश्चन का टाइम कहां पे कंज्यूम करेंगे? इन 20 क्वेश्चंस में कंज्यूम करेंगे। तो इसलिए यहां पे राहुल और रमेश को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा राहुल और रमेश के लिए एक बेनिफिशियल ये भी रहेगा, जैसे भाई बोटनी और जूलॉजी जो आपकी है उसमें जो आपका 50-50 वेटेज कर दिया गया है, यह भी बेनिफिट आपको मिलेगा। यहां पे राहुल और रमेश एवरेज स्टूडेंट थे, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है या ट्रिकी है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे मैं पहले कौन से क्वेश्चंस करूंगा। तो उनके लिए अब डिसाइडेड है कि सेक्शन ए जो है उसमें 35 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है इजी रहेंगे, इसलिए आप पहले 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप 15 क्वेश्चन को करेंगे, और उन 15 क्वेश्चन में से आपको सिलेक्ट करके करने की ये 10 क्वेश्चंस करूंगा ताकि मेरे सारे सही हो। यहां पे इन चीजों का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यानी ओवरऑल मैं आपको ये कहूंगा कि ये तीनों स्टूडेंट्स अब इक्वल है, क्योंकि तीनों के माइंड में ये चल रहा है कि यार मेरी स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए। चलो पहले तो अच्छा चल रहा था कि मेरा स्कोर अच्छा था, नरेंद्र बोल रहा कि मेरा स्कोर अच्छा था, राहुल थोड़ा डाउट में था और रमेश ने बोल रहा कि मैं तो फेल हो गया। लेकिन अब तीनों स्टूडेंट इक्वल हैं, रमेश का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पेपर इजी आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे। वही राहुल को यह बेनिफिट हुआ है कि बायोलॉजी बोटनी या जूलॉजी में कहीं पे डाउट आ रहा था वो भी क्लियर हो गया। हो सकता है राहुल की फिजिक्स थोड़ी सी वीक थी, वहीं पे राहुल को एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस मिल गए। तो सबके लिए ओवरऑल अब इक्वल हो गया है, इसीलिए एनटीए न्यू एग्जाम पैटर्न लेकर के आया है, तभी ताकि सभी स्टूडेंट्स जो COVID-19 के चलते प्रिपरेशन नहीं कर पाए या जिन्होंने अच्छा प्रिपरेशन किया वो सब इक्वल लेवल पे आ जाएं। ये है आपका न्यू एग्जाम पैटर्न, ये सबसे बड़ा बेनिफिट आप सबको मिलने वाला है। अब जीतेगा कौन? अब जीतेगा वो जिसकी एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी स्मार्ट होगी। अब आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपको 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस पढ़ के उन 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि इनमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सही हो। इसके साथ साथ आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को कैसे टैकल करना है। भाई सेक्शन ए में तो डिफाइंड है कि 35 क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन सेक्शन बी में से मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा ये 10 क्वेश्चन मेरे सही हो सकते हैं, या इसके अलावा आपको बोटनी और जूलॉजी को कैसे प्रिपेयर करना है, आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्यों आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किन किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है, ओएमआर कैसे फिलअप करनी है, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बोलें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। जितना मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा मैं उतनी ही स्ट्रेटजी और उतनी ही अच्छी गाइडेंस आपके लिए लेकर आऊंगा। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।